दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका फार्म शॉट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंटरक्रॉपिंग के बारे में। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है और कैसे कर सकते हैं, किस किस फसल में कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेथी की फसल है जो कि लगभग एक महीने की हो चुकी है। और इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग की हुई है लौकी की। ये इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, ये इसकी बेड बेड पर लौकी की इंटरक्रॉपिंग की हुई है जो कि काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये 9 दिसंबर 2022 को लगाई थी और आज की डेट है 8 दिसंबर 2022, यानी कि लगभग एक महीना इसको हो चुका है। दोस्तों इसमें वैरायटी जो मैंने लगाई है वो है माहिको की वरद 4 नंबर, जो कि 200 रुपये समथिंग का एक पैकेट आया और 50 ग्राम बीज इसमें आते हैं और 15 से 20 दिन में मेथी की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद लौकी की फसल गर्मियों में चलती रहेगी। और इंटरक्रॉपिंग की बात की जाए तो इंटरक्रॉपिंग काफ़ी फसलों में की जा सकती है सफलतापूर्वक, जैसे कि आपका मटर हुआ है, लहसुन हुआ है, प्याज हुआ है। बेड़ बेड़ पर आप बेलें लगा सकते हैं, जैसे कि लौकी है, तिरोई है, गिलकी है। और लहसुन के बीच में आप मिर्ची लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी मिर्ची और टमाटर लगाने के लिए। और लौकी, गिलकी, तिरोई, तर ककड़ी, खरबूजा वगैरह आप डायरेक्ट बेड़ पे से लगा सकते हैं। और ये हमारी इंटरक्रॉपिंग की फसल एक महीने की हो चुकी है, क्योंकि अभी 1 से 1.5 महीने में आपकी लौकी स्टार्ट हो जाएगी। और किसान भाइयों, इंटरक्रॉपिंग बहुत ही बेस्ट चीज़ होती है किसानों के लिए, क्योंकि अगर एक चीज़ का भाव मार्केट रेट नहीं मिल पाता है तो दूसरी फसल का आपको मार्केट रेट अच्छा मिल सकता है। जैसे कि अभी मेथी है, अगर मेथी का भाव नहीं मिलता है, मार्केट रेट अच्छा नहीं मिल पाता है, तो लौकी में अच्छा मुनाफा हो सकता है। और मेरे हिसाब से किसान भाइयों को एक ही फसल पर निर्भर ना होकर इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए, जिससे क्या है कि समय की बचत होती है, प्लस खाद बीज वगैरह की बचत होती है और अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। दोस्तों और बात की जाए तो मैंने मटर में भी इंटरक्रॉपिंग की हुई है अभी, जो कि तिर ककड़ी लगाई हुई है, ये भी लगभग एक महीने की हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में, अभी बेड़ बेड़ पर लगाई है तो लगभग एक महीने की होने को आई है। इस प्रकार से बेड़ बेड़ पर ककड़ी के पौधे लगे हुए हैं जो कि अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इस प्रकार से ये मटर की फसल है, अभी हमारी मटर की हार्वेस्टिंग चल रही है, उसकी एक बार हार्वेस्टिंग हो चुकी है और दूसरी बार हार्वेस्टिंग पे आ गई है मटर। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और
इंटरक्रॉपिंग के बारे में और अगर आपके पास जानकारी हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में साझा करें। मिलते रहेंगे इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।